इस मंदिर पे लड़कियों की पूजा देने के अधिकार है या नहीं है, अगर है तो वो कब से, तो चलिए जान लेते हैं आज के ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली कैनवस। मेरे लास्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को लेके आई थी नासिक के त्र्यंबकेश्वर टेम्पल घुमाने के लिए। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी वर्ल्ड फेमस शनि भगवान के मंदिर दर्शन करवाने शनि शिंगणापुर गाँव में, जो शिरडी से मात्र 65 किलोमीटर। शिरडी से शनि शिंगणापुर का डिस्टेंस है अराउंड 72 किलोमीटर। वहाँ पे आप लोगों को टेम्पो ट्रैवलर का शेयर गाड़ी भी मिल जाएगी, जिसका प्राइस है ₹200 अप डाउन का। फुल रास्ते पे थोड़ा सा रुके हैं, ये देखिए शुगर केन जूस पीने के लिए यहाँ पे ये बहुत फेमस है। रास्ते भर बहुत से शॉप है ऐसे, ये देखिए ऐसे बैठने के जगह के अरेंजमेंट करके रखते हैं। ये देखिए ऐसे झूला है, ऐसे और जो स्पेशल है, हम लोग जब वेस्ट बंगाल में कोलकाता में शुगर केन का जूस पीते थे तो वहाँ पे मैनुअली था वो जो मशीन, हाथ से घुमा के तो शुगर केन वैसे निकालते थे, मगर जब यहाँ पे मैं आई ना तो यहाँ पे देखते मुझे और अच्छा लगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगा। यहाँ पे ऐसे देखिए वो जो गाय है ना वो घूम रहा है और मशीन उसके हिसाब से ही चल रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अभी थोड़ी देर में और 10-12 किलोमीटर ही बचा है, हम लोग पहुंच जाएंगे शनि शिंगणापुर। ये पूरे इंडिया में सबसे बड़ा टेम्पल है शनि भगवान जी का, और यहाँ पे शनि भगवान का ऐसे ही महत्व था कि पहले जब 15 साल पहले से हम लोग आना शुरू किए थे तब देखे थे कि ये जो विलेज है ना यहाँ पे किसी के घर में विंडो या हो या डोर हो कहीं से भी दरवाज़ा नहीं था, ऐसे ओपन स्पेस था। विंडो का भी एक ओपन स्पेस रखते थे, वहाँ पे सिर्फ कार्टन रहता था। डोर का भी एक ओपन स्पेस रहता था, वहाँ पे सिर्फ कार्टन रहता था, वहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं रहता था और कोई बंद नहीं करते थे अपने घर को। देखिए इनका पेट था तो हम लोग वहाँ से एक ले लिए, उनको रिक्वेस्ट करके भी घर जाके खाते देखेंगे। अभी हम पहुँच गए शनि भगवान के मंदिर के सामने। इधर टेम्पल के साथ बहुत बड़ा सा एक पार्किंग का भी अरेंजमेंट है, तो आप लोग एकदम टेम्पल तक ही कार लेके आ सकते हैं। लास्ट ईयर हम जब आए थे तब टेम्पल के इस पोर्शन का न्यूली कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इस बार आके देखा ये कंप्लीट हो गया, बहुत ही सुंदर बनाया है। मंदिर परिसर बहुत ही बड़ा है। इस मंदिर पे जब फर्स्ट टाइम हम आए थे अराउंड 13 इयर्स बैक, तब इधर का रूल था लड़कों को नहा के गीले कपड़ों में आके शनि भगवान को तेल चढ़ाना पड़ेगा, तब लड़कियों को पूजा करने की राइट नहीं थी। कुछ साल बाद ये नियम चेंज हो गया और लड़कियों को भी ये अधिकार मिल गया कि मंदिर के गर्भगृह में सभी लोग भगवान को तेल चढ़ा सकते हो। शनि शिंगणापुर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ शनिदेव स्वयंभू है। यहाँ शनिदेव की पूजा काले पत्थर के रूप में होती है। कहते हैं कि यहाँ शनिदेव काले पत्थर के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे। ये माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत के दौरान कुछ चारवाहों को ये काली मूर्ति मिली थी। शनिदेव के बारे में ऐसा माना जाता है कि शनिदेव अगर आप पर मेहरबान हो तो आपके रंग से राजा बना देते हैं, और अगर आपके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो आपको राजा से रंग बनते भी देर नहीं लगती। तो एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग ना पिछले साल जब आए थे तब देख रहे थे कि रेनोवेशन चल रहा था, तो इस बार का जो टेम्पल है ये जो पीछे का पोर्शन जो है यहाँ पे थोड़ा सा वाटर बॉडी जैसा बनाया है, और यहाँ पे एक जो ब्लैक कलर का ये बनाया है, ये सारे जो है सारे नया है। उधर वाला जो एंट्री था वो पुराना था। टेम्पल जो है अभी भी वो वैसा ही है जैसे पुराने थे, वही जगह पे है वैसा ही है, सिर्फ जो एंट्री है वो चेंज किया है, और आप बोल सकते हो कि मंदिर परिसर को थोड़ा सा बदल दिया है इन लोगों ने, थोड़ा सा और अच्छे से बनाया है। पहले जो था वो भी बहुत सुंदर था,
अगर अभी जो बना है वो उससे भी और थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल से डेकोरेशन किया है। ये पोर्शन एकदम कुछ नहीं, ये वाला पूरा न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। ऊपर शनि भगवान जी का एक मूर्ति भी है, वो बहुत ऊपर है इसलिए वो अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है। ये देखिए ये देखिए, ये पोर्शन पूरा नया बना है। ऐसे शनि भगवान की मूर्ति बनी। चलिए आज के व्लॉग का स्टोरी सुन लेते हैं। बहुत साल पहले शनि शिगनापुर गांव में बाढ़ आया था और उसी बाढ़ में बहता हुआ एक पत्थर भी आया था। एक व्यक्ति को वो पत्थर पेड़ के झाड़ के नीचे दिखा, देख के वो थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। वो पत्थर का काम करता था इसलिए वो पत्थर के ऊपर उसको खोदने गया तो वहाँ से खून निकालने आया। वो खून देख के वो गांव वालों को जाके ये पूरा जो घटना है वो बताया। तो गांव वालों सब मिलके सब लोग आए वापस वो देखने के लिए, तो वो लोग भी आके देखा और वो लोग वो पत्थर को उठा के भी ले जाने की कोशिश की मगर वो लोग नहीं कर पाए। तो सब लोग वापस चले गए, सोचे कि नेक्स्ट डे आते हैं और फिर कोशिश करते हैं। फिर उसी दिन रात को वो व्यक्ति को शनि भगवान सपनों में आया और बताया कि मैं शनि भगवान हूँ, तुम लोग मुझे यहाँ से ले जाके पूजा करो। तो दूसरे दिन गांव वाले आए और शनि भगवान के वो पत्थर को लेके जाके पूजा करना शुरू की। साथ में वो ये भी बताए थे कि उनके ऊपर जहाँ पे उनको बिठाया जाएगा वो ऊपर छत नहीं रहेगा, खुले आसमानी उनके छत है, तो इसलिए शनि भगवान के मंदिर का कोई जो जहाँ पे मूर्ति रहती है उसके ऊपर कोई छत भी नहीं है। तो ये था आज का स्टोरी। अभी हम लोग शनि शिगनापुर से वापस आ गए शिरडी में और हम लोग जो होटल लिए थे रहने के लिए वो होटल का एक छोटा सा व्यू आप लोगों को दिखा देती हूँ। होटल शांति कमल जो शिरडी में है। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नए आए हो वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये है रूम के अंदर का व्यू। ये फर्स्ट रूम में दो सिंगल से बेड थे और अंदर के रूम में एक किंग साइज बेड। बाथरूम बहुत नीट एंड क्लीन था, अल्टीमेटली बोल सकते हो कि पूरा ही जो रूम है बहुत अच्छा है, तो आप लोग आके रह सकते हो। तो हमारा